गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस द आंसर्स ऑफ रिवीजन 3. इससे पहले हम डू एज डायरेक्टेड एंड फिल अप का रिवीजन कर चुके हैं. नेक्स्ट जो मैंने आपको वर्क दिया था वो था ज्योमेट्री रिवीजन 3. इसमें शेप्स को आइडेंटिफाई करना था, उनकी साइड्स कॉर्नर्स एंड एग्जांपल्स बताने थे एंड लाइंस को आइडेंटिफाई करना था. ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. शेप्स के बारे में प्लेन शेप्स मैंने आपको बताई हैं, उसी से रिलेटेड मैंने आपको ये रिवीजन दिया था. अब इसके आंसर्स को डिस्कस करते हैं, यानी चेक करते हैं. ओके, तो लेट्स मूव टू फर्स्ट शेप. कौन सी है? चारों लाइनें बराबर हैं, तो जिसकी जिस शेप की चारों लाइनें बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल? नो. तो स्क्वायर. स्क्वायर की स्पेलिंग S Q U A R E, स्क्वायर. साइड्स यानी लाइन काउंट कर लो, 1 2 3 4. कितनी साइड्स हैं? 4. F O U R 4 लिख दो या नंबरिंग देके लिख दो 4. कॉर्नर 1 2 3 4. कॉर्नर आपको बताया ये मैंने, यहाँ पे दो लाइंस आपस में मिलती हैं उसे हम कॉर्नर कहते हैं. F O U R 4. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इसमें सबसे कॉमन है हैंकरचीफ, जिसे हम हैंकी भी लिख सकते हैं, HANKY, या लूडो बोर्ड, LUDO लूडो, BOARD लूडो बोर्ड, चेस बोर्ड जिस पर हम चेस खेलते हैं, स्क्वायर शेप यानी जिसकी सारी लाइनें बराबर होती हैं, कैरम बोर्ड, लोफ ऑफ ब्रेड. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लेन शेप में स्क्वायर के. इसका नाम स्क्वायर, साइड्स 4, कॉर्नर 4, एग्जांपल हैंकरचीफ जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हैंकी, लूडो बोर्ड, लूडो सेप नहीं बोलेंगे, लूडो का बोर्ड, चेस बोर्ड. ओके, देन नेक्स्ट पूरी तरह से गोल है, इसे क्या कहेंगे? सर्कल. स्पेलिंग CIRCLE सर्कल. साइड्स कहीं से भी शुरू कहीं पे भी खत्म, तो इसकी साइड्स नहीं है तो बोलते हैं 0. कॉर्नर, जब साइड्स नहीं है तो कॉर्नर भी नहीं, तो सी कॉर्नर भी 0. ZERO 0 या एम एस ए भी 0 लिख सकते हैं. एग्जांपल्स बैंगल, चूड़ी जो हम पहनते हैं, क्वाइन सिक्के की बात हो रही है, टायर जो साइकिल में लगा होता है, सन. दीज आर द एग्जांपल ऑफ सर्कल शेप. साइड्स 0, कॉर्नर 0, एग्जांपल्स बैंगल, क्वाइन, टायर. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द लाइन. लाइंस मैंने आपको दो तरह की पढ़ाई हैं, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, सेकंड कर्व्ड लाइन. स्ट्रेट लाइन जिसको ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत होती है, जिसे हम मेज़र भी कर सकते हैं. कर्व्ड लाइन जिसे ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत नहीं होती और जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं. स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको तीन तरह की बताई हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लैंटिंग. लेकिन आपको मुझे ये नहीं बताना है कि ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है या स्लैंटिंग. आपको सिर्फ मुझे इतना बताना है कि ये लाइन स्ट्रेट है या कर्व्ड. पहली वाली लाइन सीधी है, स्केल से मेज़र हो सकती है, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट. स्ट्रेट लाइन की स्पेलिंग STRAIGHT स्ट्रेट लाइन है, LINE. सेकेंड मैंने ऐसे ही राउंड राउंड बना दिया है, यानी इसे हम स्केल से मेज़र नहीं करेंगे, तो ये है कर्व्ड, CURVED कर्व्ड, LINE. नेक्स्ट टेढ़ी लाइन है बट स्केल से मेज़र हो सकती है, तो ये भी है स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT स्ट्रेट लाइन. ये
जो नदी की लहरें बनती हैं, इसे भी हम मेज़र नहीं कर सकते हैं स्केल से, क्योंकि स्केल तो सीधी रखेंगे, ये है कर्व लाइन, CURVED कर्व्ड लाइन। मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको मुझे ये नहीं बताना कि ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल या स्लैंटिंग, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ लाइन देख के ये बताना है कि स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है। ओके, शेप्स में भी अगर आपसे नेम पूछा जाए तो नेम, एग्जांपल पूछा जाए तो एग्जांपल, कॉर्नर के बारे में पूछा जाए तो कॉर्नर, साइड्स के बारे में पूछा जाए तो साइड्स। दैट क्लियर? आंसर्स आपने मिला लिए हैं। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट रिवीजन जाएगा। थैंक यू।